राहुल जी को जमीन की जानकारी जबरदस्त तरीके से है। उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर की, उसमें जो चीज़ें सामने उनकी आई हैं, लोगों से संवाद, लोगों से बात करना, लोगों से जानकारी करना, वो उनको उनके पास सही फीडबैक, सही जानकारी आ रही है। केवल इनकी तरह जुमलेबाजी वाली बात कि 200 प्लस, 300 प्लस, 350 प्लस, ये सब बात वो नहीं बोलते। जो बोलते हैं फैक्ट है। और देखिएगा, चारों राज्य डंके की चोट पर कांग्रेस जीतेगी। और मैं आपको बता दूं, 2024 में उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस का झंडा गड़ेगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ। नहीं, वो जो हमारे नेता ने बोला, आदरणीय राहुल जी ने, वो एकदम सत्य बोला है। पूरे तरीके से, कई जगह नहीं, पूरे प्रदेश, पूरे देश के अंदर ये राजनीति चल रही है कि भाई जात से जात को लड़ा दो, हिंदू मुसलमान लड़ा दो। अब मणिपुर के अंदर जो चीजें की गई, कहाँ नहीं है, हर जगह देख लो, कहीं हर जगह इन्होंने किया है। और कहीं पर भी उसके लिए, उसको रोकने का प्रयास या उसमें आगे बढ़कर उसको ठीक करने का प्रयास, अब वहां की, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री से जनता ही उम्मीद करेगी ना। आप शांति की जाके अपील करिए, आप जाके आग्रह करिए कि लोग आपस में ना झगड़ा करें। कहाँ गए, जवाब तक नहीं दिया मणिपुर में। तो राहुल जी ने जो बात उठाई है, 100% सही है। मणिपुर की जब बात होती है तो वहाँ के, अब मुख्यमंत्री, जब राहुल गांधी जी का बयान आया था, उसके बाद वहाँ के मुख्यमंत्री बयान आ रहे हैं, और उसके बाद राहुल गांधी वहाँ पहुंचे, तो उनको जिम्मेदार ठहरा दिया मणिपुर के लिए वहाँ की सरकार ने। ये तो किसी काम के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हैं ना। कहीं पर भी कोई बात उठाई जाती है, हम सही बात उठाते हैं। आज राहुल जी वहां नहीं गए होते तो मणिपुर की जानकारी पूरे देश को हो पाती, पूरे समाज को हो पाती? आप बताओ मुझे। मैं पूछना चाहता हूं वहां के मुख्यमंत्री से, राहुल जी वहां गए तो वहां सारी चीजें आम जनमानस, पूरे देश की के जिहन में बात आई, जानकारी में बात आई, तो दबा दिया जाता। तो ये राहुल जी जैसा बहादुर इंसान, हम अपने नेता को, ऐसे बहादुर इंसान को मैं सैल्यूट करता हूं कि जिन्होंने पूरी दमदारी के साथ हमेशा जनता की आवाज उठाया है। और पूरी पूरी के पूरे कार्यकर्ता, हम सब लोग अपने नेता राहुल गांधी के साथ खड़े।